द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से आज हम उपेंद्र नाथ अश्क की तुल्य एकांकी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन परिचय, किस तरह से के वो साहित्यकार रहे, किस तरह से उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब लिखे और उनके एकांकी में क्या क्या खासियत रही, इसे हम पढ़ते हैं। तो रंगरसायन पुस्तक से पृष्ठ संख्या 39 पर आप सभी आ जाएं। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 को जालंधर में हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क प्रख्यात साहित्यकार रहे हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी सभी के सिद्ध हस्त लेखक माने जाते हैं। एकांकी नाटकों के प्रारंभिक युग से ही अश्क ने इनके संवर्धक और उन्नयन में पर्याप्त योगदान दिया। हंस के एकांकी अंक में इनका एकांकी लक्ष्मी का स्वागत प्रकाशित हुआ। यो तो इनका पहला एकांकी पापी सन 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित हो चुका था। अश्क अपने एकांकियों के लिए जो विषय वस्तु चुनते हैं वे हमारे आसपास की परिचित घटनाएं होती हैं, किंतु अपने निर्माण कौशल से वे उसमें नया प्राण फूंक देते हैं। मध्यम वर्गीय जीवन की वेदना, तपड़, तड़प, हास्य व्यंग, परिहास आदि को वे मार्मिक ढंग से देखते हैं, आदि को मार्मिक ढंग से महसूस करते हैं। और जो उपेंद्र नाथ अश्क अपने लिए विषय वस्तु चुनते हैं, जो उन्होंने अपने लिए विषय वस्तु चुनी भी है, और जो विषय वस्तु चुनते हैं आसपास की परिचित घटनाएं होती है, वे एकांकी लिखते समय रंगमंची विशेषताओं को सहज में ही समाविष्ट कर लेते हैं। इनके व्यंग्य प्रधान एकांकियों के बारे में जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा भी है, अश्क की विनोद भावना वार्तालाप के विद्रूप या पात्रों के भोंडे व्यवहार के रूप में प्रकट नहीं होती, बल्कि चरित्र और कार्य संपादन की पृष्ठभूमि में अश्क के नाटकों में व्यंग्य की प्रतीति एक महीन वातावरण के रूप में हुई है, जिसके साधन हैं हल्की सी फप्तियाँ, सांकेतिक कार्य संपादन और पात्रों की अनजान कमजोरियों को थोड़ा बहुत उभार। प्रस्तुत एकांकी तौलिये में ये विशेषताएं समाहित है। देवताओं की छाया तूफान से पहले, चरवाहे साहब को जुकाम है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि अश्क के बहुत चर्चित एकांकी संग्रह है। उपेंद्र नाथ अश्क का निधन 1996 में हुआ।